मेरे पास महिंद्रा का XUV500 कार जो है आगे से पूरा डैमेज है, राइट साइड में कुछ ज़्यादा ही डैमेज हो गया है, तो आज उसको जो है हम रिस्टोरेशन करेंगे। तो ये रिव्यू आप पूरा देखो, उसमें पूरा दिखाया जाएगा। तो जहाँ तक बात करें डैमेज, तो फ्रंट ग्लास तो आप देख ही रहे कितना डैमेज है, राइट साइड का शॉर्ट गन, लॉन्ग मेम्बर, बोनट, फेंडर, बम्पर, एकदम उसकी हालत ख़राब हो गई। फिलहाल तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा। और अंदर का पोजीशन देखो, इसका एयर बैग वगैरह सब ओपन हो गया है, और सीट वगैरह तो देख ही रहे हो क्या हालत हो गई है, सीट भी डैमेज हो गया है, और स्टीयरिंग का एयर बैग वगैरह सब खुल गया है। तो कहने का मतलब एक्सीडेंट बहुत ज़बरदस्त हुआ है। इलाज वगैरह आप देख रहे हो कैसा क्या होगा उसमें, और टायर का डैमेज हो गया है, रिंग भी डैमेज है, उसका स्टार्टर वगैरह जो है सब डैमेज हो गया है, और सरफ्रेम की बात की जाए वो भी पूरा डैमेज ही है। तो मैंने विंडो ओपन करके विंडो ओपन कर लिया है, डोर निकाल लिया है, और उसके अंदर कितना डैमेज है वो देख लिया। सस्पेंशन वगैरह सब डैमेज है, और राइट साइड का देखो एकदम उसका बॉडी पैनल भी डैमेज हो चुका है, और सस्पेंशन देखो पूरा डैमेज हो चुका है, कॉल पैनल वगैरह सब डैमेज है, सब रिप्लेस ही करना पड़ेगा। बाकी लेफ्ट साइड को लॉन्ग मेम्बर शॉर्ट गन सब इंजन बाहर निकलने के बाद ही बात करेगा, नया डालना है या रिपेयर करना है उसे, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो मैंने गाड़ी को रैंप ले के ऊपर ले लिया है, और देखते हैं नीचे से क्या डैमेज दिख रहा है। मार तो ऐसा लगा है कि अंदर से भी पूरा डैमेज हो गया, हमने जो स्टीयरिंग बोला जो स्टीयरिंग के अंदर से भी जो है पूरा फायर व्हील भी डैमेज हो चुका है, उससे आ गया है।
काम जो है स्टार्ट किया जाएगा, काम जो है चालू हो चुका है। पहले हाउस पैनल काटे थे, हाउस पैनल काटने के बाद ब्लॉक नंबर काटा, पावर पैनल जो है काट लिया है, पावर पैनल कट हो गया है, उसको निकाल के रखे हैं और लोग नंबर काटने का नंबर आ गया है।
राइट साइड का लॉन्ग मेंबर और फ्रंट के साथ में नहीं डालना पड़ेगा, इस तरह डैमेज है। और लेफ्ट साइड का भी लॉन्ग मेंबर डैमेज है, पूरा ही पूरा बैंड हो गया है। और ये साइड से बैंड भी है पूरा, और अंदर की साइड में पूरा ये खुल गया, ये सब भी जो है पूरा खुल गया साइड। तो इसके लिए लॉन्ग मेंबर लेफ्ट साइड और राइट का दोनों रिप्लेस करना पड़ेगा।